क्यों मूवी का नाम रनवे 34 किया गया? और एक सवाल और है इसी के साथ कि कैरी मिनेटी भी मूवी के अंदर देखने को मिले हैं और वो यूथ के बहुत ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं इस टाइम, तो क्या उनका रोल रहने वाला है और नाम चेंज करने के पीछे का क्या रीजन था? नाम चेंज करने के पहले ये रीज़न था कि पहले हम चाहते थे मेडे हो टाइटल, बिकॉज मेडे का मतलब होता है कि जब एक इमरजेंसी एक लास्ट होप रहती है, यू कॉल मेडे के वी आर गोइंग इन एंड, बट लोगों को मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा मेडे का मतलब. मुझे किसी पढ़े लिखे आदमी ने एक सवाल किया था कि मेडे का मतलब क्या है, जो काफ़ी पढ़ा लिखा था, उसने मुझसे पूछा कि क्या ये लेबर डे पे फिल्म है, तो वहाँ से मैंने किया थोड़ा. तो और रनवे 34 फिल्म की पूरी कहानी, एक्चुअली रनवे 34 अगर आप हर एयरपोर्ट पे देखें तो नंबर्ड होते हैं रनवे, तो 34 जो रनवे है उस पर कैप्टन ने क्यों लैंड करने की कोशिश की, जो कि इम्पॉसिबल टास्क था, जो नहीं होना चाहिए था टिकट, तो कहानी उसके इर्द गिर्द है, इसलिए आई थॉट द सेकंड बेस्ट ऑप्शन वाज रनवे. कैरी मिनाटी इज देयर इन द फिल्म और बहुत अच्छा किया उन्होंने. आप देखिएगा फिर आपको पता चलेगा काफ़ी डीपली. हमारी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो हमारी फिल्म में जितना काम प्लेन के अंदर है उतना ETC में भी है, और ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी है हमारी फिल्म में. तो आई थिंक एक कैप्टन के लिए और ETC दोनों के लिए आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी एक गलती भी बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है. और सर अमित सर के साथ आपके बॉन्डिंग कैसी रही है? बहुत टाइम बाद आपने साथ में काम किया, आप ज़्यादा नर्वस थे या सर ने मतलब कैसा रहा उनका रोल? नहीं, वो किसी को नर्वस होने नहीं देते, वो हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है जिस हिसाब से वो काम करते हैं. आप अगर रकुल से भी पूछें तो आई थिंक उस जैसी मेहनत, उन जैसी लगन हम में से किसी के पास नहीं. और जब आप उनके साथ काम कर रहे होते तो ही इंस्पायर्स टू डायरेक्ट यू. सो बाकी जो मेरा उनका रापू है, मैं बचपन से उनको अच्छी तरह जानता हूँ और हमारा एक बहुत अच्छा रापू है, तो वो नर्वसनेस कहीं आई नहीं, बट या ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन. I mean, there's everything to like about Sir's, way of being. I think his dedication. I just love it how passionate he is about his work. And tolerate wali aise koi baat hai nahi. So, I don't think I can. Well, I think आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको आप realize करेंगे कि रकुल ने इतना अच्छा काम किया है. She's done a fabulous job in the film. और बहुत मुश्किल character है. So that's what I love about her, the way she works and the way she performs. And baki she's disciplined, she's on time, to aisi koi cheez thi nahi jo tolerate karna pade. Mera aap dono se ek ek sawal hai Rakul, pehla to aapse ki de de pyar de mein aapki jo love triangle tha, jo bhi love angle tha, logo ko kafi pasand aaya tha, aur yahi wo bhi thi ki movie ki isi liye chali thi, aap dono ki jo love chemistry usme dikhi thi. आप फिर से एक बार आ रहे हैं दोनों एक साथ, तो क्या वही एंगल फिर से इस मूवी में भी देखने को मिलेगा? और अजय सर आपसे एक सवाल है कि आपने पायलट के काफ़ी सवाल टेलर को देखकर ऐसे लगता है, क्योंकि बच्चे भी न्यू जनरेशन भी काफ़ी इंस्पायर्ड होती है इस तरह की, जिस तरह की पायलट की मूवी आ रही है, तो क्या नए बच्चे भी इससे इंस्पायर्ड होंगे पायलट बनने के लिए आगे आने वाले समय? पसंद आई, बट आपने ये ट्रेलर देखा तो इसमें लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा लव एंगल होगा, इसमें खाली हमारा कॉन्सेंट्रेशन प्लेन उड़ाने में है. बट थैंक यू सो मच, एंड आई होप लोगों को जैसे दे दे प्यार दे पसंद आई थी, रनवे उससे भी ज़्यादा पसंद आए. या और आपका दूसरा सवाल, आई होप बच्चे इंस्पायर हों, क्योंकि अभी एविएशन इंडस्ट्री इन गुड लाइट, और ये एक इंसिडेंट 2015 का एक रियल इंसिडेंट है, तो आपको पता चलेगा कि एक कैप्टन को, ETC वालों को, सबको क्या क्या तकलीफें आती हैं, इवन पैसेंजर्स को जब कोई तकलीफ हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, हाउ उस टर्बुलेंस से कैसे. बेसिकली आई थिंक ये कहानी सिर्फ हवा में टर्बुलेंस की नहीं है, ज़मीन पे भी है, कि आदमी की लाइफ में जब टर्बुलेंस आता है तो वो कैसे उसके थ्रू गुजरता है और कैसे उस थ्रू. नॉट वेरी डिफिकल्ट एज इन इन दिस कैरेक्टर, और यू आस्किंग मी एज इन दिस कैरेक्टर और अदर एक्टर्स आल्सो. प्रतिमणि
How did you? No, when you're working on the script, you're working on the script as a director. So as an actor, you keep getting prepared. And once you're working on the script, then you know exactly the way you want your other actors to be. So I think it gets very, very clear once you start imagining the film and start visualizing the film. Hello, sir. You speak to the passengers? I just told you about that we had captains on our team, we had ATC people on our team. We did a lot of homework and research. And obviously we are inspired by the incident, but we've dramatized it for sure. सर सवाल मेरा ये है कि तमाम वो जो रियल पायलट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए ताकि और भी जो यूथ है देश के सेवा के लिए अपना योगदान दे जी आई थिंक पायलट्स बहुत कमाल का काम करते हैं हमको कोई हक नहीं है उनको मैसेज देने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे कैप्टन दुनिया भर तो उनको कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं बट दे वर्क इज वेरी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर सिचुएशन में उनको उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन और एक भी गलत डिसीजन से सबकी जगह पर सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम जैसे वो काम करते हैं बहुत पास हो जाएगी नहीं 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 अरे वहाँ से फिर वो ये हो जाएगा